नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय झंडा देश का मान होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे अनोखे बातें जो देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है। दोस्तों, ये झंडा जिस देश में लहरा जाता है वही देश स्वतंत्रता देश माना जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय झंडा उसी देश के आन मान और शान होता है। राष्ट्रीय झंडा का बहुत सारे महत्व होता है। हमारे देश भारत देश के नेशनल फ्लैग को तिरंगा कहा जाता है। ये हमारे देश की पहचान है। इसमें थ्री टाइप का कलर होता है। इसी के आज़ादी के लिए बहुत सारे देश प्रेमी शहीद हो गए हैं, जो कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुरेंद्र साय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लक्ष्मीबाई जैसे बहुत सारे वीर और देश प्रेमी शहीद हो गए। तिरंगा जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसे बहुत बार परिवर्तन किया गया था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बदलाव किए थे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं तिरंगा किसने बनाया और किस तरह से बनाया। चलिए जानते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का वॉच कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस तरह के नया नया वीडियो आपके सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग, उसे 22 जुलाई 1947 को पूर्णता मिला था। तिरंगा से पहले वाला झंडा ऊपर में सफ़ेद, बीच में हरा और नीचे की तरफ केसरिया रंग दिया गया था और बीच में चरखा को चिन्ह दिया गया था। 1931 के बाद इस झंडा को परिवर्तन करके नए झंडा के रूप दिया गया और चरखा को हटाया दिया गया और जाति धर्म वर्ण को समान करके एक नया रूप दिया गया। ऊपर के तरफ केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे की तरफ हरा रंग दिया गया और चरखा के जगह पर अशोक चक्र के चिन्ह को दिया गया। और 15 अगस्त 1947 से पहले एक बैठक बुलाया, जो कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को पूर्ण मान्यता दिया गया। अभी जानते हैं तिरंगा के कुछ खास बातें। तिरंगा तीन रंग के बारे में आपको बताते हैं। ऊपर की तरफ केसरिया, जो ऋषि मुनि और आध्यात्मिकता के तरफ दर्शाता है। उसी तरह सफेद रंग सुख शांति को दर्शाता है और सभी लोग सत्य और शांति की तरफ चले उसे दर्शाता है। सबसे नीचे हरा रंग जो प्रगति हरियाली को दर्शाता है और अशोक चक्र जो कि न्यायता के और धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। ये तीन रंग को लेकर एक और भी एक कहावत है, जो एक रंग एक धर्म को दर्शाता है। ये फ्लैग को डिजाइन किए थे पिंगोली भेंकैया और ये खास तरह के कपड़े से बनाया जाता है। नेशनल फ्लैग पहले 2 बार लहराने की अनुमति थी। पहला स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारा स्वतंत्र हुए थे, यानी कि 15 अगस्त, और दूसरी बार गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी में। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में सभी लोगों को लहराने की अनुमति दी। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग हमारा देश का एकता और अखंडता को दर्शाता है। इसीलिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।